मीणा अब बगावती सुर अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट से आपको बता दें कि मुरारी लाल मीणा को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। मुरारी लाल मीणा जो कि पायलट के काफी क्लोज माने जाते हैं, उन्हें टिकट दिया गया और अब कांग्रेस नेता नरेश मीणा बगावत करते हुए निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। नामांकन दाखिल करते हुए तस्वीर दौसा में नरेश मीणा की एंट्री के बाद जो पूरा मुकाबला है वो काफी रोचक और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। नरेश मीणा हमारे साथ हैं। सर, आप बारा छपड़ा से इतनी दूर आकर चुनाव क्यों लड़ रहे हो और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप 5 दिन पहले ही पार्टी में वापसी भी की थी आपने कांग्रेस में। देखो, मैंने छपड़ा से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव लड़ा जनता के आधार पर। अभी भी मेरे को एक कहा गया कि आपको टिकट देंगे, जिस तरह से सबने टिकट कांग्रेस ज्वाइन करी, गुंजल साहब ने ज्वाइन की, राहुल कस्वा ने ज्वाइन की, उम्मीदवार राम ने की, सबको टिकट दिया। मेरे में क्या कमी थी जो मुझे टिकट नहीं दिया? मुझे मेरे से कहा गया था आप ज्वाइन करोगे तो आपके टिकट पर चिंतन किया जाएगा, आपको टिकट दिया जाएगा। और मुझे आशा थी, जिस तरह से मुरारी लाल मीणा ये कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहा था मेरे को पैसा दे पार्टी तो मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी ने ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी की कि जो आदमी बीमार था टिकट नहीं मांग रहा था उसको टिकट दिया, और मेरे जैसे युवा जो संघर्ष कर रहा पार्टी ज्वाइन की पार्टी का काम करना चाहा उसको टिकट में नज़रअंदाज किया। मैं देख रहा हूँ कि हमेशा मेरे जैसे युवाओं को जिनके माँ बाप मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं, जो राजनीति में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पार्टियां दरकिनार करती है। मैं उन हजारों युवाओं की आवाज़ बनने नामांकन भरने आया हूँ, जो युवा जो छात्र राजनीति से ग्रामीण परिवेश से और जो पंचायत राजनीति से आते हैं और जो सपने देखते हैं कि हम भी एमएलए एमपी बने, मैं उस परिवारवाद के खिलाफ आया हूँ। मुरारी लाल जी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ से 4 बार एमएलए रहे, पिछली बार उनकी सविता सांसद चुनाव लड़ी, वो 5 बार अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा चुके हैं, उनकी बेटी जब वो कांग्रेस से मंत्री थे तब भी उन्होंने अपनी बेटी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, लेकिन पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की, जबकि पार्टी को उनको 6 साल उनको निष्कासित करना चाहिए। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, ये किसान का बेटा है, गांव से आता है, राजनीति में अपना भविष्य तलाशता है, उसके भविष्य को कुचला जाता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं नेताओं द्वारा, और केवल ये जो टिकट हुआ है दौसा का, वो केवल नरेश मीणा की राजनीतिक हत्या करने के लिए, नरेश मीणा को दौसा से रोकने के लिए इन्होंने टिकट लिया। ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ये तो आप देख रहे हो, मैं बिना तैयारी के, मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैंने फेसबुक पे डाला था मैं सुबह नामांकन डालूंगा, और फिर ये देखो आप, ये भीड़ नहीं है, ये इन युवाओं को देखो आप, ये भीड़ नहीं है, इनका जज्बा, ये नरेश से ज्यादा जज्बा इनके अंदर है, इनकी रगों में नरेश से ज्यादा खून तेज दौड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हर युवा जो दौसा का युवा है वो प्रत्येक घर में घुसेगा और नरेश बनकर वोट मांगेगा, नरेश बनकर चुनाव लड़ेगा। कनक दंडवत क्यों निकाल रहे हो? कनक दंडवत का मेरा ये मकसद है कि मैंने कलेक्ट्री से जो सोमनाथ शिव जी का मंदिर है वहां तक कनक दंडवत किए, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है, 20 दिन का समय में हो सकता है हर वोटर तक नहीं पहुंच पाऊँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के दरवाजे में पहुंचूं, लेकिन जिनके दरवाजे में मैं नहीं पहुंच पाया, जिन वोटरों से मैं मिल नहीं पाया, उनसे मैं इस दंडवत के माध्यम से उनके चरणों में ढोक दे रहा हूं कि ये जो दंडवत है आप अपने चरणों में माने और मुझे आशीर्वाद दे। बिल्कुल, नरेश मीणा की एंट्री के बाद काफी रोचक मुकाबला दौसा जैसी रिजर्व सीट पर हो चुका है और नरेश मीणा कनक दंडवत निकालकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आशीष शर्मा, News18 दौसा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अमित शाह की करते हैं। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से सेना को हटाकर पुलिस को कानून व्यवस्था देने का प्लान है। बीजेपी ने अमित शाह के इंटरव्यू का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अमित शाह ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को पीएम मोदी ही बचाएंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी के पास कश्मीर के लिए विकास का पूरा विजन है। केंद्र का कश्मीर प्लान, प्रधानमंत्री के जहन में और प्रधानमंत्री के लैपटॉप में जम्मू कश्मीर के विकास का पूरा विजन भी है और रोड मैप भी है। 370 हटने से टूटी आतंकवाद की कमर, धीरे 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 इनकी अंतिम अवस्था में है। जो इकोसिस्टम था उसको हमने बहुत समाप्त कर दिया है। पीओके पर अमित शाह की दो टूक, पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है। अमित शाह के निशाने पर परिवारवाद, एनसी और पीडीपी, ये तीनों परिवारवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर केंद्र के प्लान को उजागर कर दिया। कश्मीर के विकास से लेकर कश्मीरी की परेशानी तक हर पॉइंट पर